मिट्टी मुस्कुराएगी क्योंकि मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं है। आप खेतों में फसल उगाते हैं और उसके लिए ज़रूरी होती है ज़मीन की, और अगर ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम होगी तो फिर आपकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि उर्वरक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं किसी भी फसल की, और वहाँ पर कोई भी फसल हम उगाते हैं तो आप उसके अंदर, उस खेत के अंदर यूरिया डालते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो फिर आपकी फसल भी ख़राब हो सकती है, आपकी पैदावार भी अच्छी नहीं हो सकती है, और वातावरण के साथ साथ जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो आपकी फसल को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि JU एग्री साइंसेज का एक प्रोडक्ट आया है जो कि एक खाद है, और खाद आपकी फसल के लिए बेहद ज़रूरी रहने वाली है, और उसका नाम है एजोमैक्स। एजोमैक्स ये एक ऐसी खाद है जो बायो फर्टिलाइज़र है, यानी कि अगर आप इसे अपने खेत के अंदर बीज उपचार के माध्यम से डालेंगे तो फिर आपको यूरिया ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। यानी कि तकरीबन अगर आप 100% पहले यूरिया डाल रहे थे तो फिर आपको 75 से 80% तक यानी कि यूरिया डालना पड़ेगा उस खेत के अंदर, यानी कि आपके पैसों की भी बचत होगी, साथ ही साथ आपकी फसल भी अच्छी होगी, उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, और क्वालिटी जो रहती है एक फसल की, चाहे वो धान की बात की जाए या किसी सब्जी की बात की जाए या फिर गेहूं की बात की जाए, वो क्वालिटी भी अच्छी रहने वाली है। यानी कि आपके खेत का कोई भी फसल अगर कोई आम आदमी खाएगा तो उसे वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो उसे मिलने चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो शोध होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर शोध किए जाते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों की तरफ से, बड़े बड़े डॉक्टर्स की तरफ से, उस शोध में ये बात सामने निकल कर आई है कि अगर आप यूरिया के साथ बीज उपचार के माध्यम से एजोमैक्स डालेंगे जो कि बायो फर्टिलाइज़र है, तो आपके खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके पैसों की भी बचत होगी, और साथ ही साथ उससे वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हर फसल को यूरिया की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और वो एजोमैक्स के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, दोनों के माध्यम से आपके खेत को मिलेगा। हमारे साथ एक किसान है जो एजोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एजोमैक्स का इस्तेमाल किया, फिर रिजल्ट भी उन्होंने देखा, और क्या कुछ रिजल्ट आया वो उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। आप एक किसान हैं, परेशानियां बहुत होती हैं क्योंकि फसल कभी कीट लग जाते हैं, कभी पैसे ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन एजोमैक्स जब आपने डाला बीज उपचार के माध्यम से, उस खाद का इस्तेमाल किया, तो कितना फायदा हुआ? सर, एजोमैक्स डालने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ, जब मैंने जीरी की पौध के लिए, जीरी लगाने के लिए पहले हमें पौध बीजनी पड़ती है, उसमें जब मैंने सीड ट्रीटमेंट किया, और जून के महीने में जब पछुआ हवा चलती है तो इसमें बर्निंग नहीं आई, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहा। जर्मिनेट बहुत बढ़िया हुआ, ग्रीनेस हरी रही वो फसल बिल्कुल, और उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करी हमने खेत में तो यूरिया इसमें हमने 1.5-2 एकड़ पर बैग हमने इसमें यूरिया का डाला। यूरिया कम डालेंगे, क्वालिटी बढ़िया बनेगी, बीमारी कम आएगी, और नेचुरल तरीके से इसने अपना नाइट्रोजन को गेन किया और बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं किसानों को कहना चाहूँगा भाई इसको यूज़ करें, और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। तो ये भी एक परेशानी आती है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, फिर पैदावार अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कीट लगने शुरू हो जाते हैं, तो एजोमैक्स डालने से ये तमाम जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती वो है? दूर हो जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे पौधा बड़ा होगा, पत्ते उसके लचीले हो जाएंगे, बीमारी का अटैक ज़्यादा आता है, और एक बार बीमारी का अटैक आ जाए तो 2,000-1,500 रुपये पर स्प्रे पे कॉस्टिंग आती है, क्वालिटी बनती नहीं है, इसलिए यूरिया का कम उपयोग किया है मैंने इसमें। तो यूरिया का कम उपयोग किया और उसके साथ उन्होंने डाला है एजोमैक्स की खाद, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी हुई है, साथ ही साथ पैदावार भी अच्छी हुई है, और इस पर
कीट नहीं लगे हैं, क्योंकि बीमारी आ जाती है, और अगर आपकी फसल पर बीमारी आ जाएगी तो फिर नुकसान होगा आपकी फसल को, आपको, और उसके लिए एजोमैक्स वो खाद है जो आपकी फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है, आपके बजट को कम कर सकता है, यानी कि जेब एकदम आपकी सही रहने वाली है किफ़ायती दाम में, क्योंकि आपको ये मिल रहा है। कितना डाला जाता है एक एकड़ के अंदर, हमारे साथ डॉक्टर सतबीर जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि टेक्निकल भाषा में वो आपको समझाएंगे। जो कि किसान भाई हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी किसान भाइयों तक इस बात की जानकारी पहुंच सके। सतबीर जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हर किसान यही चाहता है कि बीमारी ना लगे, पैदावार अच्छी हो जाए। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम। तो ये जो उत्पाद है जेयू एग्री साइंस कंपनी का एजोमैक्स के नाम से, ये बायो फर्टिलाइज़र है, और जो कि 78% जो नाइट्रोजन है आपके वातावरण में उसको इस्तेमाल करवाता है पौधे में। और जैसे ही हम इस उत्पाद का एजोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं, 10 ग्राम प्रति एकड़ बीज के हिसाब से, यानी इसकी जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति एकड़ बीज के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो है, आप सैंड के द्वारा, मिट्टी के द्वारा भी इसको आप एक एकड़ में ले जा सकते हैं, और जैसे ही आप इसको एक एकड़ में डालेंगे 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फसल शुरू से लेकर के और आखिरी समय तक पकने तक बिल्कुल कुदरती हरे रंग में रहेगी। और जब कुदरती हरे रंग में रहेगी तो आपको एक्सेस मात्रा में आर्टिफिशियल जो कृत्रिम यूरिया है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से किसान भाई 20-25% यूरिया खाद की बचत कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे किसान भाई बता रहे थे अभी कि जब आप यूरिया खाद का यानी नाइट्रोजन का कम आप इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर कुदरती रूप से आपके खेत में कीट और बीमारियों का अटैक भी कम आएगा, वातावरण के जो जैविक या अजैविक जो तनाव हैं वो भी आपकी फसल उनको बर्दाश्त करेगी, उनको सहन करेगी, और इससे आपको आखिरी समय तक आपकी फसल कुदरती हरे रंग में रहेगी। और आपकी फसल के जब आखिरी समय तक कुदरती हरे रंग में रहेगी तो आपकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों में ही वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। शोध हुए थे इसके लिए, कितने शोध हुए, या मतलब कुछ बता पाएंगे कि किस तरीके से शोध हुए और उसमें ये पास हो गया है जो मैं? हाँ जी, हमने लगभग 10 ICR या फिर आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि जो विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे हमने इस खाद का शोध करवाया, यही देखने के लिए कि किसान भाइयों को जो हम गुणवत्ता दे रहे हैं, किसान भाइयों को जो अब जो हम उत्पाद दे रहे हैं वाकई में किसान भाइयों के वो काम आएगा भी नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे 10 यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या ICR के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें सभी जगह एक ही बात सामने आई है कि आप 25% यूरिया को घटा करके अगर आप अपने खेत में खाद का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एजोमैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, गुणवत्ता के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। और जैसा कि ये धान की फसल है, आपने अभी किसान भाई से सुनाई है, यहाँ पे भी एजोमैक्स का नर्सरी में बीज उपचार के द्वारा इसमें इस्तेमाल किया गया था और फसल आपके सामने ही है। आज तारीख आप देखिए कौन सी है, आज 22 तारीख है अक्टूबर के महीने की, और बिल्कुल एकदम से हेल्दी क्रॉप, स्वस्थ क्रॉप खड़ी है, क्योंकि किसान भाई ने 25% यहाँ पे यूरिया का कम इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि ICR के अंदर शोध हुआ है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर शोध हुआ है, जहाँ पर वैज्ञानिक शोध करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर शोध करते हैं, क्योंकि उनके शोध के बिना कोई भी प्रोडक्ट हो वो पास नहीं हो पाता है। लेकिन एजोमैक्स अपने आप पर खरा उतरा है, उस वो पास हुआ है और आपके लिए आया है JU एग्री साइंसेज का ये खाद जिसका नाम है एजोमैक्स, और आप अपने खेत में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हैं, फिर आप यूरिया का कम इस्तेमाल करेंगे, आपके पैसों की बचत होगी, आपका पौधा जो भी फसल का पौधा है वो शुरू से लेकर आखिर तक हरा भरा रहेगा, यानी कि पैदावार अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और फिर आपको मंडियों में उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी खेत में यूरिया की ज़रूरत होती है उतनी ही डीएपी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी फसल को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को और आगे ले जाने के लिए तमाम खाद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जेयू एग्री साइंस का एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है इकोमैक्स। क्योंकि हम खेतों के अंदर डालते हैं डीएपी और एक एकड़ के अंदर तकरीबन हम डीएपी का जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है 50 किलो, जिससे किसान की जेब पर भी असर पड़ता है। ना सिर्फ किसान की जेब पर असर बढ़ता है बल्कि सरकार को डीएपी इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशों से मंगवाना पड़ता है और वो काफ़ी महंगा भी मिलता है। इसलिए सरकार भी कई बार ये देखने को मिलता है कि जो उसकी ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप इकोमैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये एक खाद है। आप किसी भी खेत के अंदर, यानी कि आप कोई भी गेहूं की फसल उगा रहे हैं या धान की फसल उगा रहे हैं, तो वहां पर आप 30 से 35 किलो डीएपी डालिए, उसके साथ 2 किलो इकोमैक्स डालिए और फिर अपनी फसल का रंग देखिए, उसकी पैदावार देखिए, उसके पोषक तत्व देखिए। यानी कि जब इंसान उस फसल को खाएगा तो वो भी सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अगर यही आप इकोमैक्स इस्तेमाल करते हैं गन्ने की खेती में या आलू की खेती में, तो वहाँ पर आपको 30 से 35 किलो डीएपी के साथ 4 किलो इकोमैक्स डालना होगा, ताकि आपकी फसल और अच्छे से आगे बढ़ सके। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदा एक तो आपके पैसे की बचत हो रही है, साथ ही साथ दूसरा फायदा कि आपकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, जो हेल्थ है, वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी। हमारे साथ किसान है, क्योंकि किसान फसल उगाता है, खेत के अंदर क्या कुछ कहना है किसानों का वो एक बार जान लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, कौन से शहर से आप आते हैं और इकोमैक्स के क्या क्या फायदे आपने अनुभव किए? देखिए, मेरा नाम रामपाल, मैं गांव गीड़ जिला करनाल से हूँ। इकोमैक्स डालने से डीएपी की बचत होती है, ये हमने यूज किया, 2 सालों से लगातार कर रहे हैं और इसमें बड़ा फायदा हुआ, 40% डीएपी की बचत होती है। तो हम तो किसान भाइयों से यही अनुरोध किएंगे, क्योंकि डीएपी बचाओ और फसल को अच्छी पैदावार करो। तो जो बीमारियां लगती हैं या कुछ और परेशानी होती है वो भी इकोमैक्स डालने के बाद आपको अनुभव नहीं की होंगी आपने? बीमारियां भी ठीक कम आएंगी और पैदावार भी अच्छी रहेगी। पैदावार भी अच्छी होगी, आपका बजट भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो सरकार पर एक बोझ रहता है कि किसानों तक डीएपी पहुंचानी है, सब्सिडी के साथ पहुंचानी है, तो वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ एक किसान और हैं जिन्होंने इकोमैक्स का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या फ़ायदे देखे आपने इकोमैक्स का इस्तेमाल करने के बाद? सर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी डीएपी की बचत होती है। आप 35 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 2 किलो डीएपी ये अपना इकोमैक्स मिक्स करके अगर डालते हैं तो फसल पे कोई फ़र्क नहीं है, फसल पहले से ज़्यादा निकलती है, ईजली जल्दी मिक्स हो जाता है, मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की बचत है और फसल और ज़मीन, सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिट है वो है कि हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो ख़राब नहीं रहती, मिट्टी एकदम बिल्कुल ठीक रहती है, स्वस्थ रहती है। जो फसल होती है वो फसल हमारे घर तक जब पहुंचती है, हम उसको खाते हैं तो हम भी सेहतमंद रहते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सतबीर जी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं इकोमैक्स के बारे में, इस पर भी शोध हुए? हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा एजोमैक्स के ऊपर हमने शोध करवाए हैं तो वैसे ही उसी तरीके से उन्हीं ट्रायल्स में उन्हीं इंस्टीट्यूट के द्वारा, चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, चाहे आपका ICR का इंस्टीट्यूट था, तो उनके द्वारा इकोमैक्स के ऊपर भी शोध किए गए और वहाँ पे पाया गया कि 40% DAP की, यानी फास्फोरस की, अगर आपने वहाँ पे बचत करनी है, वहाँ पे कम हमने अपने जो
प्रोटोकॉल दिया था कि वहाँ पे किसान जो अपने वैज्ञानिक शोध करते हैं, तो उन्होंने पाया कि 40% DAP या फास्फोरस कम करने के बावजूद भी वहाँ पे पैदावार कम नहीं हुई, पूरी प्रोडक्शन मिली, आपका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो है वो भी आपका बढ़ गया, बेनिफिट बढ़ा है, कॉस्ट खर्चा आपका घटा है। और इस तरीके से इकोमैक्स खाद डालने के बाद में वहाँ पे हमने पाया कि जो टोटल नेट इनकम थी, यानी टोटल जो वहाँ ट्रायल का जो नेट इनकम एक कैलकुलेशन होती है कि आपकी आय कितनी बढ़ती है इकोमैक्स डालने के बाद में, तो वहाँ पे वो भी उसमें बढ़ोतरी मिली। तो इसलिए किसान भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जितनी भी आपकी जनरल क्रॉप हैं, जैसे धान है, गन्ना है, सब्जियां है, मक्का है, और 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपका जैसे कि आपका गन्ना है, आलू है, उनमें आप इस्तेमाल करें। इसकी जो पोजिशनिंग है, हमने जो इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है, वो आप बिजाई के टाइम पे डालें, सोइंग के टाइम पे ही, क्योंकि उस टाइम आप जब 40% DAP SSP जो भी फास्फोरस का आपका सोर्स है उसको आप कम कर देंगे, तो आपकी पैदावार पे किसी तरह का भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो JU एग्री साइंसेस के 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट इकोमैक्स, दूसरा प्रोडक्ट एजोमैक्स, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर। आप उसके बाद DAP का भी कम इस्तेमाल करेंगे, आप यूरिया का भी कम इस्तेमाल करेंगे, और आपके खेत के अंदर जो पैदावार है फसल की वो बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सभी किसान भाइयों के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पहुँचाइएगा और किसान भाइयों तक, ताकि वो अपनी कोई भी फसल की बिजाई से पहले इस वीडियो को देखें और फिर इस्तेमाल करें इकोमैक्स का और एजोमैक्स का। धन्यवाद।